नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय जेल सतना में 24 बंदियों को अच्छे आचरण के चलते रिहा किया गया। जेल प्रशासन ने सभी बंदियों को समाज में आदर्श नागरिक की तरह जीवन यापन करने और अपराध न करने की समझाइश दी। इस दौरान बंदियों को जेल प्रशासन ने लंच पैकेट, श्रीफल और धार्मिक ग्रंथों की किताब के साथ एक पेड़ माँ के नाम का संकल्प दिलाते हुए एक एक पौधा दिया और कहा कि इस पौधे की देखभाल करते हुए पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाए। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित सतना महापौर योगेश ताम्रकांत ने जेल से स्वतंत्र हो रहे बंदियों को अपराध मुक्त करते हुए सामाजिक सरोकार के कार्यों में अपनी रुचि दिखाते हुए जीवन यापन करने की सलाह दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश की अन्य जेलों की अपेक्षा सतना केंद्रीय जेल में बंदे रिहाई संख्या अधिक रही। सतना केंद्रीय जेल में रिहा हुए बंदी 302 के अपराध की सजा काट रहे थे और सभी 24 बंदी प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए थे। जेल अधीक्षक लीना कोस्टा ने बताया कि इन सभी 24 बंदी का आचरण जेल में सजा के दौरान अच्छा रहा। अब आगे की जिंदगी किसी भी प्रकार का अपराध न करते हुए अच्छे आचरण के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय जेल सतना से 24 बंदियों को रिहा किया गया है। यहाँ पर पन्ना, छतरपुर, मैयर और टीकमगढ़, शहडोल यहाँ के बंदी थे। रिहाई में उनको यही समझाइश दी गई है कि पुनः अपराध, यहाँ से जाने के बाद पुनः अपराध में लिप्त ना हो, अपने परिवार के साथ आगे का जीवन व्यतीत करें शांतिपूर्वक। और चूँकि एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चल रहा है उसके तहत सारे जो रिहा होने वाले बंदी हैं सभी को एक एक पेड़ दिया गया है ताकि ये अपने घर में उसको लगाकर उसकी सेवा करेंगे। अपने आसपास की अन्य खबरों को देखने के लिए प्रथम न्याय न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर फॉलो जरूर करें।